अगर आपको मोड्स इंस्टॉल करने हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक मोड इंस्टॉल करना जरूरी है यार। बेसिक मोड के बिना ये जो गाड़ियों के मोड्स और दूसरे मोड्स होते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए बेसिक मोड इंस्टॉल करना जरूरी है। जैसे अपना स्क्रिप्ट टू फाइव और स्क्रिप्ट टू फाइव डॉट नेट, ये दो बेसिक मोड्स है, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके ऊपर ऑलरेडी टॉपिक इस टॉपिक के ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है पूरा, बेसिक मोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उस वीडियो को क्लिक करके पूरा बेसिक मोड मैंने पर कैसे इंस्टॉल किया वो दिखाया हुआ है, तो जाके ज़रूर देख लेना। और उसमें मैंने डाउनलोड कैसे ये भी बताया था ओपन आईवी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये ओपन आईवी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें सब मोड्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ओपन आईवी मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में भी बताया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन आईवी गूगल पे सर्च मारने का, ओपन आईवी, तो जो ये पहला लिंक है उसको क्लिक कर देगा, और ये लेटेस्ट वर्जन जो आपका रहेगा वो डाउनलोड कर लेगा। जैसे मेरे केस में तो 4.1 है, तो इसको मैं डाउनलोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैंने उस वीडियो में मैंने बताया कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो क्लोज करते हैं, अभी ओपन आईवी को ओपन करते हैं, दिखाता हूँ वो कैसा है। GTA 5 क्लिक कर देगा, स्टार्टिंग, तो ये मोड्स वाला फोल्डर मैंने बनाया था, अपडेट x64 DLC पैक, इसमें मैंने बहुत सारे मोड्स इंस्टॉल किए, तो मैं अब बताने वाला हूँ अभी BMW X7 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे ही फिर से चलते हैं, और गूगल पे सर्च मारने का जो गाड़ी स्पॉन करनी है, जैसे मेरे केस में BMW X7 GTA 5 मोड, इसको क्लिक करेगा तो पहला लिंक ही मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक को क्लिक कर देने का। और ये वही वाला मोड वाला वेबसाइट है जहाँ पे हम बहुत सारे मोड इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ इस मोड की मदद से मिलती है। और मैं डायरेक्टली सीधा मैंने ये मतलब डायरेक्टली आपको बताया, गूगल पे ही सर्च मारेगा डायरेक्टली मिल जाएगा। और इतना याद रखने का, अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं, एड ऑन और एक रिप्लेस, अपने को एड ऑन करने का है। एड ऑन का ये जो इम्पोर्टेंट वाला है ना, ये जो गाड़ी एड ऑन पे है ना वही डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करना, रिप्लेस मत करना। रिप्लेस में क्या होता है ना, जो GTA 5 में जो गाड़ी रहती है उसको रिप्लेस कर देगा, तो इसकी वजह से मोड क्रैश मतलब सॉरी गेम क्रैश भी हो सकता है, तो वो मत कर लेना। अभी फिलहाल डाउनलोड करते हैं, अभी ज़िप फाइल डाउनलोड हो गई है, तो इसको क्लिक करते हैं ओपन। तो ये अपनी ज़िप फाइल है, ये जो BMW 7 है, ये जो DLC पैक है ये अपने को इसमें डालने का है, तो ओपन अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ओपन अभी ओपन करने का, मैंने आपको बताई है मोड्स के फोल्डर में अपडेट x64 DLC पैक, इसमें मैंने ऑलरेडी BMW G07 में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करने का। ये जो BMW, इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप, उससे पहले मैं भूल गया एडिट मोड ऑन करने का, नहीं तो हम एडिट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो BMW G07 है इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने का। अब सेकंड अपने को ये करने का है, इधर ही ऑलरेडी readme.english मतलब इधर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बताया है, लेकिन मैं सिंपल वही बता देता हूँ, इधर ही क्लिक करते हैं। ये जो नोट पैड वाला ऑप्शन है, इधर आके ये वाला जो लाइन है ना ये अपने को कॉपी कर देने का, पूरा ये लाइन अपने को कॉपी करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपी कर देने का। पेस्ट कहाँ करना है वो बताता हूँ, ओपन आईवी में पेस्ट करने का। ओपन आईवी में जाके फिर से मोड में जाते हैं, अपडेट, और इधर जो अपडेट डॉट RPF है ना, इधर जाके कॉमन डेटा, और नीचे जाते ही ये जो DLC लिस्ट डॉट XML है ना, इधर आपको पेस्ट करना है, आपको बताता हूँ। राइट क्लिक कर देगा एडिट, और सबसे नीचे वाले इसमें पेस्ट कर देगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाला लाइन मैंने ऑलरेडी इसको पूरा कॉपी कर रखा है, और ऐसे बहुत सारे मैंने मोड्स इंस्टॉल करके कर रखे हैं, जैसे बहुत सारे गाड़ियों के मोड्स हैं अपने पास, ग्राफिक मोड भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो अब मोड इंस्टॉल हो चुका है, तो आपके गेम में बताता हूँ कैसे स्पॉन करते हैं गाड़ी को। और जो स्पॉन नेम है ना, इधर ही मिल जाता है स्पॉन नेम क्या होता है ना, स्पॉन नेम देखो ये स्पॉन नेम है, अब कैसे इन स्पॉन करते हैं वो आपको बताता हूँ। और एक बात मैं बता देता हूँ, एक मोड मेन्यू मोड है उसको भी इंस्टॉल करना है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो भी बना कर रखी है, बेसिक मोड में वैसे भी मिल जाएगी, वैसे बेसिक मोड मैंने जो बनाया था उसके ऊपर ऑलरेडी कैसे इंस्टॉल करते बताया था, और
उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया मेन्यू मोड में, तो चैनल पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से भी जाके देख सकते हो। क्योंकि मेन्यू मोड में ही हम पूरा गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी करना है, जैसे गाड़ी को स्पॉन करना है, बहुत सारी गाड़ियों, तो हम मेन्यू मोड में ही कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गेम में आ गए, तो अभी कार को कैसे स्पॉन कर बता देता हूँ। अरे बाजू हट जा भाई, बाजू जा, बाजू जा। तो मेन्यू, सबसे पहले मेन्यू मोड को अपने को ऑन ओपन करने का, तो मेन्यू मोड को ओपन करने के अपने को F8 प्रेस करना है, F8 जो की है उसको प्रेस करना है, कीबोर्ड पे 2 बार प्रेस करने का है। अब यही वो मेन्यू मोड है, इसके अंदर ही अपने को स्पॉन करने का है। व्हीकल ऑप्शन में चलते हैं, व्हीकल स्पॉनर, फिर लास्ट में जो इनपुट मॉडल है ना, इसमें अपने को जो स्पॉन नेम मैंने बोला था, जो स्पॉन कौन सा गाड़ी का, तो मैं अभी बता देता हूँ। BM कौन सा था, हाँ WG07। तो ये वो स्पॉन नेम में क्लिक करते हैं, तो ये अपनी गाड़ी आ चुकी है, और इसको हम सेव भी कर सकते हैं अगर आपको सेव करने का है गाड़ी को। ऑलरेडी मैंने अपने फेवरेट लिस्ट में सेव करके रखा है, जैसे इतने सारे मैंने गाड़ियाँ ऑलरेडी करके रखा है, उसमें ऐड न्यू व्हीकल मॉडल पे नाम डालने का और सेव हो जाएगी गाड़ी। और फिर दूसरा भी ऑप्शन है, नीचे करंट व्हीकल मॉडल को भी सेव कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन ऑप्शन को अपने को ऑप्शन मिल जाता है। तो अपनी गाड़ी BMW X7 आ गई है भाई, मस्त लग रही है अभी। ऑल राइट, वीडियो को ख़त्म कर दे रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं GTA के गेम प्लेस भी डालते रहता हूँ, बहुत सारे अलग अलग गेम प्लेस भी डालते रहता हूँ, तो चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।